हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मतलब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो अभी राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है और राउंड वन यानी एमसीसी राउंड वन की जो रिजल्ट है वो साइट पे डाल दी गई है। एमसीसी के साइट पे आप जाके वहाँ पे चेक कर लो, पीडीएफ के फॉर्म में आपका रैंक देखो, रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, सारा डिटेल्स अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है राउंड वन की और क्या डिफरेंस रहा है लास्ट ईयर से, राइट? और क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है आपके लिए? तो गुड न्यूज़ है कि थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला है कट ऑफ लास्ट ईयर से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिपमर और एम्स इसी से इंक्लूडेड तो है, लेकिन थोड़ा सीट भी इंक्रीज हुआ है उसके कारण से थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में ऑल इंडिया रैंक 14,367 रैंक पे लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ है, 611 मार्क्स। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 15,400 रैंक यानी 608 नंबर पे सीट अलॉटमेंट हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 16,137 यानी 607 नंबर पे सीट अलॉटमेंट हुआ है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 80,000 रैंक यानी 505 नंबर पे सीट अलॉटमेंट हुई है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें 135,000 यानी 479 मार्क्स पे लास्ट रैंक सीट अलॉटमेंट हुई है, राइट? तो ये थी डेटा जो एक्चुअल डेटा है जो मैंने एमसीसी के साइट से निकाली है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लो। ये राउंड वन की कट ऑफ है इस साल, यही है। राउंड टू की क्या होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको राउंड वन में अगर सीट अलॉटमेंट हो गई है तो आपको ग्रेडेशन में डाल देना है, सेकंड राउंड में और अच्छे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी। तो गाइज ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड वन की क्या रहने वाली है, और राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड या कॉलेज चूज करने से, तो आप मुझे पूछ सकते हो क्वेरीज, अपने सारे क्वेरीज इंस्टाग्राम पे पूछो। मिलता हूँ किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।